वेलकम बैक टू आवर चैनल स्माइली की दुनिया। और मैं और चेतन आज हम लोग थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं। मैंने कुछ ऑर्डर किया था अपने लिए अमेज़ोन से, तो वो पार्सल आ गया है, पीछे पड़ा है मेरे। बट इसकी अनबॉक्सिंग मेरे ख्याल से वो लोग खुद आके इंस्टॉल करेंगे। क्या आया है वो आप लोगों को चेतन बताएंगे। चेतन हाउ आर यू? हाँ बताओ क्या आया है। वैसे तो मैं तभी बताना चाहता हूँ जब वो आएगा और अनबॉक्स होगा, सामने अनबॉक्स होगा ज़्यादा बेटर रहता। चलो सरप्राइज रखते हैं। अच्छा, ये बॉक्स को देख के कोई कमेंट कर सकता है? हाँ बताओ, इस बॉक्स को देख के कोई कमेंट करके बता सकता है कि इसमें क्या है, ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो इतना बड़ा, बड़ी चीज तो हो नहीं सकती इतना बड़ा कोई क्या सामान है इसके अंदर जो आप लोग बता सकते हैं? हैवी भी बहुत है। हैं? हैवी भी बहुत है। हैवी भी बहुत है? अरे बहुत ज्यादा हैवी है। क्या कर रहे हो? अच्छा उठा के दिखाने लगे हो? आय हो हो, ये भी ज्यादा हैवी है। हैं? ये भी ज्यादा हैवी है। हैवी है? मोर देन 10 केजी शायद। चलो अच्छी बात है। मोर देन 10 केजी। ये तो जब वो एक्चुअली वो कंपनी वाले खुद आएंगे और इंस्टॉल करेंगे इसको, तब तक के लिए मुझे दिल पर पत्थर रख के सब्र करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे से सब्र हो नहीं रहा है और मैंने अगर खोल लिया तो मेरे से गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने इसलिए नहीं किया। तो लेट्स वेट। वैसे अभी आप भी कमेंट करके बताओ कि क्या होगा, कि बताओ कि इस बॉक्स में क्या होगा, क्योंकि जब अनबॉक्स होगा वो तो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा, पर वो शायद एक दो दिन के बाद होगा तो पता नहीं, क्योंकि अभी कंपनी वाले आएंगे और वो अनबॉक्स करके इसको इंस्टॉल करेंगे तब उसका वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए फिलहाल हम लोग मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान है, मेरा कुकर ख़राब हो गया, कुकर ठीक कराना है और दो तीन और सामान काम है तो वो भी करके आएंगे। तो हम लोग अभी आए हैं यहाँ पे, हमारी एक केमिस्ट की शॉप है, वहाँ पे आए हैं हम लोग। मुझे वेइंग मशीन लेनी है क्योंकि मुझे अपना वेट करना है और मेरे को कुछ मेडिसिन भी लेनी है, वो लेने हम लोग आए हैं यहाँ पे। अब भी वो लेके फिर हम चलेंगे। तो हम यहाँ पे आए हैं वीआईपी रोड पे गुरपाल बेकर्स, यहाँ पे राम लड्डू बहुत अच्छे मिलते हैं, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के आए हैं क्योंकि मेरे को किरण ने एक बारी बताया था कि यहाँ पे राम लड्डू मिलते हैं और मुझे बहुत टाइम से खाने थे, चेतन को भी खाने थे। चेतन आपने कभी खाए हैं? नहीं नहीं है? राम पता है बट लड्डू नहीं खाए लड्डू नहीं खाए तो राम लड्डू आज आपको मिल जाएंगे। राम लड्डू हम यहाँ से लेने आए हैं। लड्डू में राम मिलते हैं कि नहीं? और ये रहे हमारे जोमेटो वाले भैया। जोमेटो वाले भैया राम लड्डू लेने आए हैं हम लोग, यहाँ से पैक करा के हम घर लेके जाएंगे किरण के लिए और हमारे लिए। तो वो भैया उसमें जोमेटो में है ये वाला, वो जोमेटो वाले भैया चले गए उनकी डिलीवरी लेके। अब यहाँ से नज़ारा देखो। और चेतन कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं मैं तो बस नज़ारा का मतलब नज़ारा तो क्या एंजॉय कर रहा हूँ, आवाज़ें एंजॉय कर रहा हूँ। गुड गुड, देखो हमने राम लड्डू, चेतन गरम गरम राम लड्डू ले लिए। मैंने तीन प्लेटें ली राम लड्डू की, एक प्लेट ली है वो मिर्ची होती है ना बेसन वाली उसकी लिए। अब हम चले, हमने और भी दो तीन जगह जाना, कुकर दिया हुआ है ना, अब हम लोग चलते हैं। और कुछ याद आ रहा है तो बता दो मेरे को, यहीं से ले लें वीआईपी रोड पे। यहाँ से तो कुछ नहीं है, बाकी वहीं से ही है अपना जो लेना है। चलो ठीक है फिर वहीं चलते हैं। अभी हम लोग आए हैं जो मैंने कुकर दिया था ठीक होने को, तो भैया से कुकर लेने आए हैं, वो अभी चेक कर रहे हैं, रिपेयर तो उन्होंने कर दिया है पर चेक कर रहे हैं कि हुआ है कि नहीं। तो कर रहे हैं भैया क्या? अरे ये बे हो गया, स्क्रीन बना के चेक कर रहे हैं ना, बार बार। अच्छा ठीक है, अभी तो वो चेक ही कर रहे हैं, चेक कर लेंगे फिर देखते हैं, टाइम लगेगा उनको चेक करने में। तो जी भैया ने कर दिया मेरा कुकर, अब वो ठंडा कर रहे हैं उसको, चेक उन्होंने कर लिया, वॉश करके धंधा करके क्लीन करके देंगे मुझे। ये
भैया अब लेके आ रहे हैं, हमारा कुकर आ गया। चेतन इसमें डाल दो आप ना बैग में। भैया कितने पैसे हुए? दोनों नए डाल दिए आपने, रबर नहीं डाल दी। ओके ओके ठीक है, कितने हुए? 150। ओके 90 बोला था आपने। 90 नहीं उसका है। अच्छा हैंडल का 90, इसमें गास्केट डाल दी। और ये रहो 100 रुपया, ये 50 50 50 50, ये लो भैया 50, थैंक यू। हम लोग पहुंच गए हैं अपनी बिल्डिंग में, लिफ्ट की वेट कर रहे हैं। लिफ्ट खुलेगी तो लिफ्ट में जाएंगे। खोल रहे हैं दरवाजा, अब हम आ गए हैं अपने घर। लाइट तो ऑन कर दो भैया, तो मैं कर देती हूँ। चलो आ गए हम अब अपने घर। तो अब आ गए हम अपने घर। अब कुकर मैं ठीक करा लाई हूँ, कुकर अभी मैं वॉश करूँगी अच्छे से वॉश करके फिर, क्योंकि कल बेसिकली मैंने कुकर आज इसलिए ठीक कराया, बहुत दिन के बाद, बहुत दिनों से ख़राब था, क्योंकि कल मैंने बनाने हैं चेतन के लिए हमस, और हमस के लिए मुझे चाहिए कुकर बड़ा, क्योंकि चने चाहिए उसमें ज़्यादा। चेतन खाते हैं बहुत सारा हमस। चेतन खाते हैं ढेर सारा हमस, तो ढेर सारे हमस के लिए कुकर भी बड़ा चाहिए, तो मैं कुकर ठीक करवा के इसीलिए लाई। और अब हमारा है जो लेके आए हैं हम अपने राम लड्डू, वो खोलते हैं। ओके राम लड्डू निकाल लिए, इसमें मैं हरी मिर्च भी लेके आई थी बेसन वाली। चेतन ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। अभी तीखी वाली तो नहीं होती नहीं, देखो तीखी वाली मिर्च तो मेरे को पता नहीं अब तीखी कितनी होगी, बट आप राम लड्डू खा के देखो बताओ कैसा लगा। आप तो फर्स्ट टाइम खा रहे हो। राम को कहीं पे राम नहीं मिल रहे हैं। राम नहीं मिल रहे? राम मिल जाएंगे। राम लड्डू क्यों बोलते हैं भाई? आप लोगों में से अगर किसी को पता है कि इसको राम लड्डू क्यों बोलते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि राम लड्डू क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसको राम लड्डू क्यों बोलते हैं। मैं भी शाम सुबह बचपन से सुन रही हूँ राम लड्डू। आप खाओगे तो बताओगे। अच्छा है? अच्छा लगा? अच्छा। मैं तो बहुत सालों के बाद खाने वाली हूँ। अच्छा। बचपन में खाती थी। एक और खा के बताओ, पीस तो खाया नहीं आपने। हाँ? खाओ खाओ, कैसा है? अच्छा। अच्छा है। अभी ये मैंने अपना भी बना लिया है, मैं अपना भी खाऊंगी, तो आपको मिलते हैं। हाँ वहाँ बैठ के खाने में ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था, हम तो अचानक से वहाँ गए थे तो प्लान बन गया लेने का, लेकिन नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं अपनी व्हीलचेयर लेके जाऊंगी, फिर व्हीलचेयर पर आराम से बैठ के खाएंगे। हाँ फिर खाएंगे। चलो अभी खाने के बाद मिलते हैं। बहुत ज़्यादा टिकी निकली। आपको टिकी लग रही है? टिकी लग रही है? हाँ तो लग ही रहा, अभी तक लग रहा है। हाँ मेरा तो मुंह जल गया, बहुत जल गया मुंह। पर मज़ा आ गया सच में। आप लोगों में से किस किस को ये वाली हरी मिर्च अच्छी लगती है, बसन वाली, मुझे बताना कमेंट करके। और कौन इतनी तीखी मिर्च खा लेता है ये भी बताना। बहुत तीखी है, बाप रे, मुंह जल गया मेरा। धुएं निकल रहे हैं, धुएं धुएं। इसमें अगर नींबू अगर हो ना, ना नींबू से तीखापन कम हो जाता है ना यार, पर ये पंजाबी स्टाइल है ना, गुजराती स्टाइल नहीं। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, राम लड्डू इतने मज़ेदार लगे हम लोगों को, है ना चेतन? अच्छे लगे? बहुत मज़ा। अच्छे लगे? हाँ। आपने फर्स्ट टाइम खाए? मैंने फर्स्ट टाइम। चेतन ने फर्स्ट टाइम खाए, मैंने खाए थे, मैं बहुत छोटी थी तब खाए थे, उसके बाद अब मैंने खाए, मुझे अच्छे लगे, मुझे पसंद आए, बट हाँ वो मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी तो वो नहीं खा पाई मैं, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बट आप लोगों में से बताना कमेंट करके कि किसने वो बड़ी वाली मिर्च बेसन वाली खाई है और तीखी तीखी किसको अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे तो हालत ख़राब हो गई, मेरी बहुत हालत बुरी हालत हो गई थी।
तो अब हम ये अपना वीडियो कुछ बोलना चाहते हो? बोलना तो चाहता हूँ मैं, एक्चुअली ये जानना चाहता हूँ अपने ऑडियंस से, इसको राम लड्डू क्यों बोलते हैं? मेरा एक मन में एक सवाल है कि क्यों उसको राम लड्डू ही बोलते हैं, श्याम लड्डू क्यों नहीं बोलते? अकेला लड्डू क्यों बोलते हैं? क्यों राम लड्डू क्यों बोलते हैं? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किस किस ने राम लड्डू खाए हैं, और अगर खाए हैं तो किसी को अगर पता है इसका नाम राम लड्डू क्यों पड़ा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन लाइक शेयर एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब करें, और ये कमेंट करके जरूर बताना कि राम लड्डू को राम लड्डू क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुझे जानना है। हाँ चीज है क्या, और भी कमेंट है क्या? वो जो बॉक्स में पड़ा है वो क्या? हाँ वो बॉक्स में जो पार्सल मैंने मंगाया है वो क्या है, गैस करके वो भी बताओ मुझे, जल्दी से जल्दी बताओ जब तक अनबॉक्स के नया ब्लॉग नहीं आता। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।